वो पहला ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, हर ब्रेकर के साथ दो दो एक्सीलेटर लगाए हुए हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन वो थोड़ी मामूली सी होती है क्योंकि छोटा सा पावर हाउस है, इतना कुछ लोड उधर तकसीम हो जाता है, मतलब मेगावाट के हिसाब से होगा। हाँ, थोड़ा मेगावाट का दो चार पाँच दस मेगावाट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अमूमन ये हमें उधर से इधर दे रहे हैं। आप गर्मियों में इधर से फुल लोड आएगा उस तरफ से 132 की तरफ, मतलब जो उधर कोल पावर प्लांट बना है। हाँ, साहिवाल उधर से 500 केवी से आपको यूसुफ वाला से 500 केवी से 220 केवी के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वो डाउन करते हैं, वहाँ से हमें लेने आ रही है इधर। ठीक है, अच्छा ये बस कपलर है, ये दोनों बस बारों को कपलर करता है, दोनों बस बारों को सही बार, एक ये लगी है केबल ऊपर जा रही है, ऊपर जाके वो बस बार टू के, इसकी बस बारें ऐसे हैं, ये ऊपर जा रही है ना, ये वाली जी जी, ये एक बस बार है, वो इसी तरह तीन जा उधर से करते हैं कि ओपन क्लोज हो गया है कि नहीं हो गया, तो बाकी ये मीटर लगे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि कितना लोड चल रहा है, कितना एम्पीयर चल रहे हैं, कितने मेगावाट है। ये 42 संख्या 1 का है, इसको 135 एम्पीयर चल रहे हैं, 19 मेगावाट चल रहे हैं, और 48 12 है चल रहे हैं। इसलिए ये ट्रांसफॉर्म का ब्रेक मीटर है, ये भी ट्रांसफॉर्म का है, इन दोनों पे तकरीबन बराबर लोड होगा 357 357, क्योंकि हमारे दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल चल रहे हैं। ये हमारी जो ग्रीन है ना, ये शो कर रही है हमारी 220 केवी की बस बार को, ये बस बार 1 है, ये बस बार 2 है, वो जैसे सिंगल लाइन वहाँ से ये बता रहे हैं कि क्या इधर से कौन से आ रहा है, 42 सेकंड 2 इधर से आया है, इधर से ये लाइन का आइसोलेटर है, ये आगे ब्रेकर के साथ जो आइसोलेटर दो लगे हुए वो क्लोज हैं ब्रेकर के थ्रू, ये बस बार इधर से इसका सर कंट्रोल वगैरह बस बार बैंक के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब इधर से देखें तो ये इधर से जाके ना ये मिडल ब्रेकर है, इधर से ये बस बार 2 के साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरह ये आगे हमारा जो निकल रहा है ये ट्रांसफॉर्म को जा रहा है, ये 220/132 केवी वाला जो ट्रांसफॉर्म है ना जी, उसको जा रहा है ये बस बार, इस इधर हमने देखा था 132 केवी जो बस बार है वो डबल बस बार स्कीम है जी जी, इधर एक ब्रेकर और दो आइसोलेटर, ये है दो आइसोलेटर, ये इसका ब्रेकर है, दो आइसोलेटर। अब इसका कौन सा आइसोलेटर क्लोज है, E1Q11 11 नंबर जो होता है ना हमारा आइसोलेटर वो बस बार 1 के साथ कनेक्ट होता है, 12 नंबर वाला बस बार 2, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफॉर्म T1 जो चल रहा है ना अभी बस बार 1 पे है। ठीक है, इसके साथ क्लोज वगैरह जो है। ठीक है, ये इस तरफ को क्रॉस कर रहा हो ना ये स्विच जी, तो इसका मतलब ये ओपन है, ओपन है। ठीक, अगर ये लाइन की सीध में हो तो इसका मतलब ये क्लोज है। ठीक है, इसी तरह ये T2 है, ये भी आड़ी सर्कल 1 है, आगे ये तीसरा डाया, इसमें दोनों सर्कट आ रहे हैं, एक यूसुफ वाला 1 का आ रहा है, एक यूसुफ वाला 2, यूसुफ वाला 1 का बस बार 2 के पे लगा हुआ है, यूसुफ वाला 2 सर्कट जो है बस बार 1 पे लगा हुआ है, और दोनों को मिडल ब्रेकर के थ्रू आपस में भी कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये दोनों बस बारें इसके थ्रू ये दोनों सर्किट एक ही बस बार पे, यानी कि दोनों बस सर्किट ये बस बार 1 पे भी जा रहे हैं, बस बार 2 पे भी जा रहे हैं, आपस में शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारे बैटरी चार्जर के 220 वोल्ट बैटरी चार्जर नंबर 1 2, वो नीचे दो बैंक थे ना जी जी, वो इनको सप्लाई इधर से जा रही है, ये चार्ज वगैरह होगा, ये 110 के हैं, एक नंबर ये है, दो नंबर ये, इसी तरह दो वो बैटरी 110 वोल्ट डीसी के बैटरी बैंक वो इससे चार्ज हो रहे हैं, ये जो 48 वोल्ट पीएलसी वाला है अभी चला नहीं है ये उसके। ठीक है, ये हमारे पैनल हैं ट्रांसफार्मर के, इधर से हम उनकी टेप अप डाउन करते हैं, ये जो ब्लॉक उधर भी उधर भी पैनल के ऊपर बने हुए ना, ये इसको बोलते हैं अनाउंसिएटर ब्लॉक, अनाउंसिएटर, तो कोई फॉल्ट कोई मसला बनता है कोई इंडिकेशन आ जाए वो इधर आ जाती है, वो बता देता है क्या मसला, अब इधर आ रहा है टेप चेंजर मेन ACB MCB ट्रिप, इसका मतलब टेप चेंजर का जो ब्रेकर है ना MCB वो ट्रिप हो गया है, ये इंडिकेशन बता रहा है, अब इस पर क्या आ रहा है टेप चेंजर आउट ऑफ स्टेप, इसका मतलब जो ये टेप चेंजर है इसका
ये कंट्रोल से आउट है, इसका हम इधर से अप डाउन करेंगे ये कंट्रोल नहीं करेगा, इसका कंट्रोल ये इंडिकेशन इस तरह मुख्तलिफ इंडिकेशन आती हैं, तो उसका हर इंडिकेशन का लिखा होता है कि ये किस वक्त ये तीसरे के लिए जो 100 ठीक है, दो के लिए ये हो गया, ये T1 T2 ये हमारा T3 जो 132 से 11 के भी है ना, उसका भी ये टेप चेंजर वाला है। अच्छा ठीक, इस पे भी कोई बकल रहे ऑपरेट करे तो वो उसकी इंडिकेशन आ जाएगी, ये ऊपर बता रहा होता है कितने नंबर पे टेप चल रही है, वो 4 नंबर पे सुई है जी जी, तो 4 पे है, इधर भी होंगी ये 19 है वो भी 19 पे है, इसका मतलब दोनों 19 नंबर पे चल रही है टेप पे। ठीक है, आप कह रहे थे ना कि दोनों की टेपिंग सेम रखनी होती है। ठीक है, ये हमारे आगे वही जो रेड बस बार मैंने बताया था 132 की शो करती है जी, ग्रीन 220 को जी, रेड वाली 132 को बस बार 1-2, इधर से हमारे ये आइसोलेटर क्लोज है 12 नंबर, इसके मतलब बस बार 2 के साथ लगा हुआ है, ये किधर जा रहे हैं सर, चक 83-12 एल को, कौन सा है E4Q1, इसी तरह E5 किसको जा रहा है, ये मियाँ चलू को, ये इनके एनर्जी मीटर हैं, ये यूनिट बताते हैं कि कितने चल रहे हैं आगे जा रहे हैं। अच्छा, आगे यूनिट कितने हैं, हाँ जी, कंजप्शन वगैरह कितनी हो रही है, ये मीटर हैं एनर्जी के, यूनिट बताएंगे, ये बताएंगे कितने वार जा रहे हैं, कितने मेगावाट जा रहे हैं, उस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से जर्व दे के यूनिट बन जाते हैं कि आज 24 घंटे में कितने, रात को हम 12 बजे इसकी रीडिंग लेते हैं, इसके यूनिट कैलकुलेट करते हैं कि इस सर्किट पर कितने यूनिट गए जी। ये मियाँ चंदो को जा रहा था, फिर E6 वाला आ गया, ये जा रहा है साहिवाल को, ठीक, फिर आगे एक E8 E9 E10 ये तीनों चौथी को जा रहे हैं, ठीक, ये इनके मीटर लगे हुए हैं इनकी तरह जैसे उधर लगे हुए हैं, ये बता रहे हैं कितना करंट चल रहा है, ऊपर आ रहे हैं केवी वोल्टेज के, वोल्टेज कितने हैं अभी बस बार के 133 KV 0.7 134 ही हो गया था ऑलमोस्ट जी जी, केवी करंट कितना चल रहा है 90 एम्पेयर, मेगावाट कितने चल रहे हैं 19.5, इधर दबाएंगे तो आगे वार भी आ जाएंगे 7.6 वार चल रहे हैं, MVAR MVAR जिसको हम वार बोल देते हैं मेगावार, ये MVA टोटल कैपेसिटी जो होती है जी, मेगावाट और मेगावार दोनों का अगर सम निकालेंगे जी जी, तो फिर वो MVA बन जाते हैं ना जी, तो MVA इतना है 1907 का जब टोटल करेंगे तो 21 बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पहले स्केयर होता है फिर इसका अंडर रूट लेते हैं जी जी, फिर वो MVA निकल आता है, तो ये टोटल आ जाता है रिएक्टिव पावर वगैरह जो हमारी होगी जी। ये हमारे ये भी मीटर हैं, ये भी वो तकरीबन बता रहे होते हैं करंट कितना जा रहा है, तकरीबन ये 94 बता रहे हैं, ये 90, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये भी अच्छा एक्यूरेसी वगैरह पे होता है, डिपेंड होता है इसकी, लेकिन हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर सिर्फ एम्पेयर आते हैं, इस पर सब आ जाता है कितने एम्पेयर, शनाइडर कंपनी का है, हाँ शनाइडर का, इसी तरह हर सर्किट के ये ऊपर एनोंसिएट ब्लॉक लगे हुए हैं, इनमें जो जो इंडिकेशन कोई फॉल्ट आएगा तो वो ये बता देगा, ये 51/51 जी प्रोटेक्शन फॉल्टी, अगर ये फॉल्टी हो जाएगी इंडिकेशन ये आ जाएगी, इसी तरह अगर ये ट्रिप होता है सर्किट तो ये बताएगा कौन से जोन में ट्रिप हुआ है, Zone 1, Zone 2, Zone 3, ठीक, तो साथ इसके ये बताता है कि ये किस फेज पे है, ब्लू फेज है, येलो है, वो इससे पता चल जाता है। अच्छा, इन फेजों की सारा इधर शो हो गई, इधर सिर्फ ये बता देंगे कि ये कौन सा जोन आया कौन सा फेज आया, लेकिन हम फॉल्ट को रीड किधर करेंगे, नीचे जाके रिले रूम में, रिले के ऊपर हम देखेंगे कि कौन सा फॉल्ट आया है, किस जोन में आया है, कितने किलोमीटर पे आया है, आया अगर तो डिस्टेंस रिले ऑपरेट होगी तो वो बताएगी कि कितना डिस्टेंस है जी, अगर ओवर करंट अर्थ फॉल्ट की रिले यानी कि ओवर करंट हुआ है या अर्थ फॉल्ट हुआ है।